एंटमैन इन द वस्प ऑफ क्वांटमेनिया बस इतना दूर है एक माइलस्टोन हिट करने से। अब तक की मार्वल की सबसे खराब मूवी गई थी इटर्नल्स, जिसके रॉटन टोमेटो में स्कोर था 43 पॉइंट समथिंग%। उसके बाद सेकंड नंबर पे 53% रॉटन टोमेटो का स्कोर लेके एंटमैन इन द वस्प ऑफ क्वांटमेनिया आ गई है। मतलब ये नंबर थोड़ा कम भी हो सकता है, अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो क्या पता कल ये और गिर जाए। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो मार्वल की सबसे खराब मूवी थी वो थी थॉर लव एंड थंडर, जिसको रॉटन टोमेटो में स्कोर मिला था 66 का, मतलब 53 प्लस 13। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि थॉर लव एंड थंडर ज्यादा अच्छी है 13 पॉइंट्स रॉटन टोमेटो के हिसाब से। अच्छा और तो जो भी है, एंटमैन अभी मार्वल से एक सवाल जरूर पूछ रहा होगा। क्या इतना बुरा? अब इससे सवाल उठता है कि एंटमैन इन द वॉस्प ऑफ क्वांटमेनिया क्या सच में इतनी बुरी है? अगर मैं एक लाइन में जवाब बताऊं तो नहीं, बल्कि ये अब तक की सबसे तगड़ी मूवी है एंटमैन की फ्रेंचाइज में। एंटमैन 1 से अच्छी, एंटमैन 2 से अच्छी, एंटमैन इन द वॉस्प ऑफ क्वांटमेनिया अब तक की सबसे फाड़ मूवी रही है, क्योंकि ये स्कॉट को अब तक के सबसे खतरनाक विलन से रूबरू करवाती है। तो फिर भाई गलती कहां पे हुई? तो क्रिटिक्स की माने तो क्रिटिक्स के हिसाब से गलती यहां हुई कि कैंग अब तक का सबसे खतरनाक विलन है, और इस मूवी में एंटमैन और कैंग के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के बजाय मूवी कैंग को फ्यूचर में सेटअप करने के लिए ज्यादा ध्यान देती है। अब मैं इस चीज से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि ये मूवी अपनी आने वाली सारी मूवीज का बोझ लेके चलती है, और एक मूवी में इतना सब कुछ प्रॉपरली दिखाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन फिर भी मूवी हमें मजा देती है। स्कॉट के सेलिब्रिटी पन में मजा आता है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी कभी बन नहीं पाया था। उसके बाद हमारी मोदोक की एंट्री में भी मजा आता है, और इस कैरेक्टर को मोदोक को तुम ध्यान से देखना, मतलब कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, लेकिन ध्यान से देखना। और भाई अगर मैं आज इस मूवी को अपलोड करने में सक्षम हूं तो आज शिवरात्रि है, तो हैप्पी शिवरात्रि आप लोगों को सभी को। और मैं इस मूवी को रेटिंग देना चाहूंगा 10 out of 7। मुझे नहीं, मतलब उतनी खास भी नहीं लगी, लेकिन जितना लोग कह रहे हैं उतनी बेकार भी नहीं लगी ऑफ कोर्स। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें कैसी लगी मूवी।